दिल्ली में आज एमसीडी मेयर और उप मेयर समेत 6 सदस्यों के लिए चुनाव हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने स्टैंडिंग कमेटी के सभी 6 पद जीतने का दावा किया है। आप नेता आतिशी ने वोटिंग से वॉकआउट को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला और वहीं आतिशी ने आरोप लगाया है कि बंद कमरे में मीटिंग करके कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष रूप से समर्थन देने के लिए वॉकआउट का फैसला किया है। आतिशी ने कांग्रेस पर बीजेपी की मदद करने का भी आरोप लगाया है। तो आज सुबह 11 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में ये सीधी टक्कर बताई जा रही है। देखिए, अगर आप ऑप्टिक्स में खेलेंगे, हर पार्टी अपना फैसला तो ले ही सकती है, लेकिन जब ऑप्टिक्स की बात होगी, और ये देखिए, मुझे लग रहा है मनीष सिसोदिया यहाँ पर आ रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मनीष जी, कितना बड़ा दिन है आज आप लोगों के लिए? नहीं, दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है आज। दिल्ली के मेयर का चुनाव हो रहा है और दिल्ली के लोगों ने एक सपना देखा है कि हमारी दिल्ली देश की राजधानी के गौरव को और बढ़ाए और दिल्ली हमें वो मान सम्मान दिलाए, साफ सुथरी रहे, यहाँ पे गंदगी ना हो, यहाँ के पार्क सुंदर दिखे, हमारी दिल्ली सुंदर दिखे। और नगर निगम के हिस्से में जिम्मेदारी है कि दिल्ली को सुंदर रखे, साफ सुथरा रखे। तो लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा जताया और आज उसके लिए दिल्ली को एक नई मेयर मिलेगी। उस मेयर के पहले बहुत कुछ हो चुका है, एल्डरमैन की नियुक्ति हो, नॉमिनेशन मेंबर्स हो, बहुत कुछ हुआ है, ये कन्फ्रंटेशन यही खत्म हो जाएगा आज के दिन आगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी को ना भगवान चला रहा है। इन लोगों ने तमाम साजिशें करके, तमाम को चक्कर करके गिरने की जो भी नीचता की जो भी हद हो सकती है इन्होंने सब पार की है। उसके बावजूद अगर आम आदमी पार्टी एक एक कार्यकर्ता के साथ मिलकर खड़ी है तो ये भगवान की कृपा है। इनकी सब साजिशें कामयाब नहीं होंगी, नाकाम होंगी। थैंक यू। ठीक है, इशार जैसे मैं कह रहा था कि पीछे रणनीति नजर बनी हुई, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, कंझावला केस में अब एक नया मोड़, क्योंकि निधि जिस तरीके से उसने बयान दिया, अब पुलिस उसको लेकर निकली है, उससे लगातार पूछताछ का सिलसिला होगा, क्योंकि परिवार का कहना है कि उसे भी आरोपी बनाया जाए। उसने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो सच से दूर है। कंझावला केस में निधि को लेकर पुलिस जा रही है हादसे की रात। अंजलि के साथ आपको बता दें, निधि मौजूद थी आशुतोष। बिल्कुल, अंजलि की दोस्त है निधि और ये भी सवालों के घेरे में है। हादसे को लेकर निधि से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा, पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और इससे पूछताछ होगी। उसके बाद से और चीजें, तथ्य सामने आएंगे कि आखिर मामला क्या था और सच्चाई क्या है। लेकिन अब तक बयान जो है विरोधाभास ही नजर आए हैं। कंझावला केस में निधि को लेकर जा रही है दिल्ली पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको ये भी बता दें कि हादसे की रात अंजलि के साथ ही निधि मौजूद थी। अंजलि और निधि दोस्त हैं। हादसे को लेकर निधि से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने वाली है दिल्ली पुलिस और इसके लिए दिल्ली पुलिस अपने साथ निधि को लेकर जा रही है। अर्पिता, एक नया मोड़ आशुतोष तब आया जब निधि की एंट्री होती है। सवाल उठने लग गए कि इतने दिन हादसे के बाद वो चुप क्यों थी, क्यों इतने घंटे में वो पुलिस के पास नहीं गई, या हादसे के तुरंत बाद न पुलिस को फोन किया न परिवार वालों से बात की, इसलिए उसकी भूमिका पर सवाल है। लेकिन सवाल इसलिए भी क्योंकि उसने अंजलि को बोला कि उसने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब की कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए संदिग्ध के तौर पर ये सामने आई, इस पर शक हुआ, पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, इस पर ज्यादा अपडेट के लिए, जानकारी हासिल करने के लिए हिमांशु का रुख करते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अभी क्या जानकारी मिल रही है आपको? इस वक्त मैं अंजलि के घर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर तकरीबन 10:40 पर एक कांस्टेबल उनके घर आता और एक लेडी कांस्टेबल बाहर खड़ी थी और वो अंजलि निधि को बुलाता है और अपने साथ लेके बाहर की तरफ जाता है। उसके बाद फिर दोनों कांस्टेबल लेडी और जेंट्स निधि को अपने साथ लेकर के निकल जाते हैं। ये तकरीबन 10:40 की बात है जब पुलिस की यहाँ पर पहुंची थी और 5 मिनट में ही यानी 10:45 तक वो लेके चले गए। देखिए, दरअसल पुलिस ने पहले क्लियर किया था कि जब पुलिस ट्रेस करते हुए निधि के पास आई थी, निधि पुलिस के पास नहीं पहुंची थी और उसके बाद निधि ने कहा था कि पुलिस ने कहा था कि निधि एक इंपॉर्टेंट आई विटनेस है क्योंकि निधि उस वक्त अंजलि के साथ मौजूद थी। लेकिन यहां पर सवाल ये उठ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 36 घंटों तक जब तक पुलिस निधि को ढूंढ के उस तक नहीं पहुंची, तब तक निधि ने किसी को भी जानकारी नहीं दी, पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश नहीं की और न ही किसी से बात की। ठीक है, अरविंद ओझा भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अरविंद, क्योंकि पहले भी निधि से पूछताछ हुई थी और निधि का कहना था कि पहले वो डर के मारे सामने नहीं आई, लेकिन बाद में पुलिस के बयान उसने सब दे दिया कि क्या हुआ। अब निधि को ले जाना वो क्यों एक अहम मोड़ पर अब ये नजर आ रहा है, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हीं धाराओं में इस पर भी केस दर्ज होना चाहिए, तो क्या इस एंगल से आगे जांच हो रही है?
फिलहाल की अगर बात करें अब तक कि इस केस में निधि एक आई विटनेस है, और आपको ये बताता चलूं कि दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान निधि का दर्ज करवा लिया है, तो फिलहाल वो आई विटनेस है। दिल्ली पुलिस सूत्रों का कहना है कि कुछ चीजें वेरीफाई करनी है, इस वजह से निधि को लेकर पुलिस गई है। साथ ही साथ अब निधि को प्रोटेक्शन देना वो भी दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है, क्योंकि इस पूरे केस में वही एकमात्र आई विटनेस है जिसके आधार पर ये केस पूरी तरह से टिका हुआ है। और कल दिल्ली पुलिस ने बकायदा ये क्लियर कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये अब तक की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक 304 का केस है, नंबर वन। नंबर दो, निधि की कॉल डिटेल खंगाली गई, सीडीआर खंगाला गया, और साथ ही साथ जो आरोपी है उनका सीडीआर खंगाला गया था, जिसमें अब तक निधि आरोपियों को पहले से जानती थी ये एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। साथ ही साथ पीड़िता जो आरोपी को पहले से जानती थी ये भी अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि वो आई विटनेस है, लिहाजा कुछ चीजें वेरीफाई करने के लिए निधि को लेकर पुलिस गई है। बहुत शुक्रिया अरविंद पूरे खबर को दर्शकों को बताने के लिए, अपडेट साझा करने के लिए। तो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, लेकिन अर्पिता दिल्ली पुलिस पर भी बहुत दबाव है कि वो केस को जल्दी से सुलझा ले। हल्द्वानी में रेलवे के जिस जमीन पर विवाद है और जहां लोगों का बसेरा है, यहां से हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने जाना कि यहां की स्थितियां परिस्थितियां क्या है और लोगों की तकलीफ क्या है। अगर ये सरकारी जमीन है तो फिर यहां निर्माण कैसे हो गए। फिलहाल अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी और तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक है। जिस जमीन को रेलवे अपना बता रही है, जहां करीब 50,000 लोगों की बस्ती को हटाने का आदेश हाईकोर्ट की ओर से आया था, उसकी एक तस्वीर ये भी है। ये पानी की टंकी जो आप देख रहे हैं बनभूलपुरा के इलाके में हल्द्वानी में बनी हुई है। साल 2008 में इसका निर्माण का कार्य जो वाटर डिपार्टमेंट है उत्तराखंड का, उसने पूरा कर लिया था, और ये उसी इलाके में इसका निर्माण किया गया है जिसके ऊपर उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये पूरा इलाका असल में अवैध तरीके से बनाया गया है। स्कूल 1940 का है, 1940 का, 1940 का लगभग, आजादी से पहले का स्कूल है। मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पढ़ चुके हैं। आपके परदादा जो हैं वो पढ़ चुके हैं ग्रैंडफादर जी, ग्रैंडफादर दादा। और वो किस समय की बात कर रहे हैं आप? ये लगभग 1950 के आसपास होगा, 1950 के आसपास उन्होंने यहाँ शिक्षा ली थी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं। इस क्षेत्र में 4 सरकारी स्कूल, 11 निजी स्कूल, 1 बैंक, 2 ओवरहेड पानी के टैंक है। अब यहाँ रहने वालों का यही सवाल है कि अगर जमीन अवैध है तो सरकारी स्कूल कैसे बने, कैसे बैंक खुल गए, पानी की टंकी अवैध नोटिस के वक्त क्यों बनाई गई? इतना ही नहीं, घर में बिजली का मीटर भी चालू है। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ये मीटर भी लगा हुआ है। अगर ये अतिक्रमण है तो यहाँ पर सरकारी बिजली का मीटर लगा हुआ है और इस पर बिजली का बिल भी आता है। यहाँ पर काफ़ी बच्चे भी मौजूद हैं जो स्कूल जाते हैं, और काफ़ी परिवार हैं जो कई समय से रह रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। साल बचपन से ही रह रहे हैं, हमारे बच्चे बड़े ही हो गए और हमारे पिताजी भी ही थे, 50-60 साल करीब हो गए हम यहाँ रहते रहते। आज तक कभी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। अभी 2007 से ही रेलवे करी, इससे पहले कोई दिक्कत नहीं थी, सब लोग फसला रहते थे। रेलवे के कर्मचारियों ने या रेलवे के अधिकारियों ने कभी आपको संपर्क नहीं किया कि आप पटरी के एकदम पास में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, कैसे घर बना दिया? कभी नहीं। ये सामने आपके सामने देखो पटरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और आज से नहीं मकान बने, एक जमाने से मकान बने। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के आसपास का ये इलाका करीब 2 किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र को कवर करता है। इन इलाकों को कफूर बस्ती, ढोलक बस्ती और इंदिरा नगर के नाम से जाना जाता है। मेरे ठीक पीछे ये जो मकान आप देख रहे हैं, दरअसल इसी को लेकर लड़ाई सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंची हुई थी। ये पूरा का पूरा हिस्सा जिसको हटाने के लिए, बुलडोजर चलाने के लिए हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। हालांकि 7 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तब क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पर पीछे की तरफ ये जितने भी मकान आप देख पा रहे हैं, इन सभी पर बुलडोजर चलाने के आदेश दिए गए थे। एक बड़ा इलाका रेलवे लाइन के बगल में बसा हुआ है, जिससे निकली हुई सकरी गलियां न जाने कितने घरों से जुड़ती हैं।
जहां कई सालों से परिवार वाले रह रहे हैं। कई हमें सरकार ऐसा मोदी है तो सबकी दया कर रहा, हमारे भी बस्ती के लिए हमारी काली पन्नी हटा दिए, पहले हमें कहीं बिठा दो बाद में हमें कहीं भगा दो। हमारा कहना यही है, हम गरीब आदमी है, गरीब बस्ती के 500 साल से पड़े हैं, हमारे लिए ईंट नहीं, हमारे लिए जमीन नहीं, जगह नहीं, हम आपसे क्या कसूर हमारी है। हमारे राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, दुनिया का हमारा सामान बना हुआ। जहन में क्या है आप? जहन में हमारे इतनी जगह मिल जाए, जहन हमें मिल गई बस, और जब जहन में हमें जगह ही नहीं मिल रही, छत नहीं मिल रही, तो हम लोग कहाँ जाएं पहले? क्या सोच रहे हैं अभी आप? सोच यही रहे कि कहीं बैठा दे बस। इतना हमसे आता है कि सरकार के हम पाए लागते हैं, हाथ जोड़ते हैं। बताया जाता है कि आजादी के पहले इस हिस्से में बगीचे, लकड़ी के गोदाम और कारखाने थे। इनमें उत्तर प्रदेश के रामपुर, मुरादाबाद और बरेली के अल्पसंख्यक समाज के लोग काम करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ बसते गए और रेलवे के 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई खाना कमाना है, कोई टुक टुक चला रहा है, कोई रक्षा चला रहा है, अपने गुजर बसर कर रहे हैं। कितने लोग रहते हैं आपके साथ यहाँ पर? इसमें तो बहुत लोग रहते हैं, कम से कम 20 नहीं 50 परिवार अंदर। देख कितना तखत पड़ा हुआ है, हम लोग बहुत रहते हैं यहाँ। हमारे परिवार जिठानी दौरानी, अच्छा, सब हमारी जिठानी दौरानी परिवार हम लोग यहाँ बहुत रहते हैं। छोटी छोटी जगह है, वो भी हमारी पूरी रहती है। हमारी पढ़ाई छूट जाएगी तो तोड़ फोड़ होगी। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? मैं संता आश्रम। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा फरीद खान। कौन सी क्लास में हो? मैं 1 पे। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मैं पुलिस बनूंगा। रेलवे ने समाचार पत्रों के जरिए नोटिस जारी कर अतिक्रमण करने वालों को एक हफ्ते के अंदर यानी 9 जनवरी तक कब्जा हटाने को कहा। रेलवे और जिला प्रशासन ने ऐसा ना करने पर मकानों को तोड़ने की चेतावनी दी, जिसके बाद प्रदर्शन तेज हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ के लोगों को थोड़ी राहत दी है। चित्र त्रिपाठी और अंकित शर्मा के साथ अमित भारद्वाज, हल्द्वानी आज तक। देखिए, निधि को दिल्ली पुलिस अपने साथ लेकर जा रही है और उसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा। निधि अंजलि की दोस्त है और उस रात भी उसके साथ ही मौजूद थी। तो दिल्ली कंजावला केस में इस वक्त की ये बड़ी खबर। अर्पिता, कंजावला केस में निधि को पुलिस अपने साथ अब ले जा रही है, उसके घर से ले गई है, क्योंकि पहले भी बयान जो है वो दर्ज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से बयान जो है वो दर्ज होना है। कई और चीजें इसमें सामने आ रही है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। हिमांशु, जरा बताइए कि कॉल डिटेल्स जो खंगाली गई हैं, क्या उसमें निधि की कोई भूमिका संदिग्ध दिख रही है, जिसके बाद एक बार फिर से उसको ले गए पुलिस वाले अपने साथ? देखिए, सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस को कुछ वेरीफाई करना है, कुछ जानकारी इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आई है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम यहां पर सुबह तकरीबन 10:45 के आसपास दिल्ली पुलिस की टीम यहां पर एक पहुंची, एक कांस्टेबल यहां पर पहुंचा, उसने यहां से निधि को बुलाया और निधि को अपने साथ लेके बाहर की तरफ जाता है और वहां पर एक वुमन कांस्टेबल मौजूद थी और वो अपने साथ निधि को लेकर के जाते हैं। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस को कुछ चीजें वेरीफाई करानी है, कुछ जानकारी चाहिए, इसके लिए पुलिस लेकर गई है। अब किस तरीके की चीजें वेरीफाई करनी है, क्या दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में मिला है, ये अब से कुछ देर बाद साबित होगा। लेकिन एक चीज जो दिल्ली पुलिस ने अब तक क्लियर कर दिया है कि आई विटनेस है इस पूरे मामले की, अकेली आई विटनेस है निधि, और 164 का बयान भी दिल्ली पुलिस ने निधि का दर्ज कर लिया है। और निधि को दिल्ली पुलिस ने पहले भी पूछताछ की थी और उसके बाद उसका बयान भी दर्ज किया था, उसका स्टेटमेंट भी कराया था। तो अब ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन से नए तथ्य, ऐसी कौन सी नई जानकारी आई जो नए तरीके से दिल्ली पुलिस को वेरीफाई करना था, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस निधि को लेकर के गई है। इस वक्त हम देखिए निधि के जो एरिया, जो गली है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सुल्तानपुरी का इलाका है और ये जो थाना है वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आपको पता है पुलिस यहाँ कितने बजे पहुंची थी? पुलिस तो सुबह ही आई है, अभी 1.5 घंटा हो गया जब उसे ले गए हैं। 3-4 पुलिस वाले थे जो उसे लेके गए हैं, अभी बहुत जल्दबाजी में इधर को ले गए। हाँ, बहुत जल्दबाजी में ले गए, 3-4 पुलिस वाले थे उसे, लड़की को ले गए दुपका के, इधर को बहुत जल्दबाजी में लेके इधर को चले गए वो उसे। तो देखिए, पुलिस बेहद जल्दबाजी में थी, यानी यहाँ पर लगातार देखिए जो भीड़ आसपास काफी लोग मौजूद है, तो लोगों का ये कहना है कि बड़ी जल्दी में आई पुलिस की टीम और लेकर साथ चली गई।
यहाँ पर लगातार लोगों की भीड़ यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे में शायद दिल्ली पुलिस ने पहले ही निधि को मैसेज दे दिया होगा और पुलिस की टीम आई और निधि को अपने साथ लेकर के गई। अब ये लगातार सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से नए तथ्य, ऐसे नई कौन सी जानकारी सामने आई है जिसको वेरीफाई करने के लिए पुलिस लेकर गई। बहुत शुक्रिया हिमांशु शुभांकर इस खबर पर नजर बनाने के लिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देखिए निधि की भूमिका पहले ही दिन से शक के घेरे में है और उसके बयान भी बेबुनियाद ही साबित हो रहे हैं, और हम आपको निधि का वो सच बता रहे हैं जिसे आपने ना अब तक सुना होगा और ना ही आपने देखा होगा। गाड़ी सामने से आई और हम स्कूटी पे थे, तो वो लड़की थोड़ा ज्यादा थोड़ी ड्रिंक कर रही थी। इसने क्या करा है, जब सच खुलेगा नजर आएगा। अंजलि के एक्सीडेंट केस में निधि एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। जिसे अंजलि की दोस्त बताया जा रहा था उसे न अंजलि का परिवार दोस्त मान रहा है न पुलिस, मगर चश्मदीद होने के नाते उसके 164 के तहत बयान दर्ज कराया गया है। उस बयान में क्या है इस पर भी पुलिस खामोश है। ऐसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही सही एविडेंस है। हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है ताकि कोई ये एलिगेशन आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है। अब हम आपको निधि का वो सच दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपने नहीं सुना, तो सुनिए। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात लोगों ने निधि को घायल हालत में देखा और जब उससे चोट के बारे में पूछा गया तो उसने बहाना बना दिया। पड़ोसी बताते हैं कि निधि उस रात लड़खड़ाते हुए घर लौटी थी, उसके हाथ में सूजन थी और चेहरे पर खरोंच के निशान, और जब उससे लोगों ने पूछा तो उसने घर की सड़क पर गिरने का बहाना बना दिया। अभी तक जांच में जो सामने आया है वो ये कि निधि घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंची थी। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था, दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके CBI को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें ये पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा कैसे हो सकता है? निधि का फोन रिकवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि उस फोन में बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। तो अभी तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा गया है, कन्फिस्केट नहीं करा गया है, FSL में नहीं भेजा गया है, ये बहुत बड़ी बात है। अब अंजलि के पड़ोसियों का गुस्सा निधि पर उबल रहा है और वो कह रहे हैं कि निधि को सब कुछ पता है, वो कोई भी सच नहीं बता रहे। दिल्ली पुलिस भी निधि को छिपा रही है। हमारे सामने आ रही, उसने क्यों नहीं थाने में बताया, क्यों नहीं है? हर एक चीज है, हम उनके घर से हैं, उनके परिवार से ही हैं, हम उनके पड़ोसी हैं जी। हमारी बेटी थी वो, हमारी गली में हमारे सामने पली थी, पैदा हुई थी, सब कुछ। हमें बहुत दुख है, उस बेटी का बहुत दुख है। हमारी ये मांग है जी, इंसाफ चाहिए। इस लड़की को सारा पता है, इसको ये छुपा कर रही है, इसके आगे आए सबके सामने, ये मांग है हमारी। पता नहीं जी हमें क्यों नहीं आ रही, ये पुलिस जाने ये क्यों नहीं आ रही। जो पुलिस इसको छुपा रही है वो सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। अब अंजलि केस में लोग दिल्ली पुलिस और उस रात की इकलौती चश्मदीद निधि को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पुलिस से सवाल पूछे जा रहे हैं कि निधि का फोन अब तक जब्त क्यों नहीं किया गया, अभी तक सारे CCTV फुटेज क्यों नहीं खंगाले गए, बाकी चश्मदीद गवाहों का 164 के तहत बयान दर्ज क्यों नहीं किया गया।
राहुल गौतम के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। अंजलि एक्सीडेंट केस में छठे आरोपी आशुतोष को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जिस कार में सवार थे वो आशुतोष की ही थी। और देखिए, आशुतोष के घर के सामने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और जिसमें वो एक आरोपी से बातचीत करता हुआ नजर आ रहा है, दिख रहा है। गंजावला केस का छठा आरोपी गिरफ्तार। शिकंजे में आया बलेनो का मालिक आशुतोष। आशुतोष ने रची दीपक को ड्राइवर बताने की साजिश। ये है आशुतोष, जो अंजलि हादसे केस में छठा आरोपी है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। केस में इसके रोल को इस सीसीटीवी फुटेज से समझिए। ये आशुतोष के घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है। अंजलि के एक्सीडेंट और उसकी मौत के करीब 2 घंटे बाद एक आरोपी आशुतोष के घर पहुंचता है, उसे जगाने और उसे कार की चाबी देने, क्योंकि वो बलेनो कार जिसने अंजलि को 12 किलोमीटर तक घसीटा वो आशुतोष की ही थी। सीसीटीवी में उस वक्त सुबह के 4:07 दिखा रहे हैं। ठीक 9 मिनट बाद वो शख्स आशुतोष के साथ वापस आता है। आशुतोष सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए, इस वक्त सुबह के 4:16 हो रहे थे। इसके बाद आशुतोष अचानक कुछ बात करने के बाद वापस घर की तरफ लौट जाता है। इसके बाद आशुतोष वापस लौटता है। सुबह 4:40 के फ्रेम में आशुतोष ग्रे कलर की जैकेट में नजर आता है। पहली बार आशुतोष सफेद टी शर्ट में नजर आया, लेकिन शायद ठंड लगती है और जब उसे उसके दोस्त रात की दुर्घटना के बारे में बताते हैं तो वो वापस लौटता है और जैकेट पहनकर आता है। इसके बाद कार को पार्किंग में लगाने के बाद 4:52 पर आशुतोष वापस अपने घर लौट आता है। सूत्रों के मुताबिक इसके कुछ देर बाद ही दिल्ली पुलिस की टीम कार को तलाशते हुए आशुतोष के घर पहुंच गई थी, लेकिन तब पुलिस को इस साजिश के बारे में जानकारी नहीं थी कि गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। आरोप है कि आशुतोष ने ही ये साजिश रची। दरअसल अमित के पास लाइसेंस नहीं था, जबकि दीपक के पास लाइसेंस था, लिहाजा खुद को बचाने के लिए आशुतोष ने दोस्तों से कहा कि वो ये बताएं कि गाड़ी दीपक चला रहा था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने कल दावा किया कि सबूतों के साथ उसने ये पता लगा लिया है कि गाड़ी अमित ही चला रहा था। दीपक था, वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं, और दो लोग जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित, उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में अक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसी रेड के बाद पुलिस ने आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया है। उस रात बाकी आरोपी जहां अपने अपने घर भाग गए, वहीं उनमें से एक आशुतोष के घर आया और आशुतोष को घटना के बारे में बताया और कार को वहीं खड़ी कर चाबी आशुतोष को सौंप दी। इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है। किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में अक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर बवाल छिड़ गया है। जी हां, दिल्ली एमसीडी मेयर चुनाव में हंगामा और ये हंगामे की तस्वीर शोर आप सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, सीधी टक्कर इन्हीं के बीच है, लेकिन मनोनीत सदस्यों की शपथ पर यह बड़ा बवाल सामने आ रहा है। अर्पिता,
बिल्कुल। और देखिए दिल्ली नगर निगम में 150 सदस्यीय सदन में आम आदमी पार्टी के पास तो यूं तो स्पष्ट बहुमत है, लेकिन 134 वार्ड जीतकर एमसीडी में बीजेपी के 15 साल के शासन को आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया, खत्म किया है। लेकिन यहां पर जिस तरीके के बवाल हो रहे हैं, क्योंकि आरोपों का दौर भी शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है। जिस तरीके से ये बीजेपी कोशिश कर रही है अपना मेयर बनाने के लिए, सारी हदें बीजेपी ने पार कर दी है, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार लगाया जाता रहा है। लेकिन इस बीच आपको ये हम हंगामे की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब हंगामा ये क्यों बरपा होगा, इसका भी हम आपको अंदाजा इसलिए बता दें क्योंकि यहाँ क्रॉस वोटिंग हो सकती है और क्रॉस वोटिंग पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी क्योंकि दल बदल कानून यहाँ लगता नहीं है, इसलिए हो सकता है ये हंगामा और ज्यादा बढ़ा हो। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हंगामे की वजह क्या है। सुशांत मेरा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। सुशांत, क्या जानकारी मिल रही है, क्यों ये हंगामा हो रहा है इस वक्त? देखिए आशुतोष, मैं आपको बता दूं कि वोटिंग के लिए सबसे पहले अगर बात की जाए तो पीठासीन अधिकारी की शपथ जो है वो दी जाती है, और उसके बाद ही पीठासीन अधिकारी के बाद ही अगर बात की जाए तो जो शपथ है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू होता है। लेकिन उससे पहले ही हंगामा जो है वो मचना शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं उनमें किसी बात को लेकर के जो है वो हंगामा हुआ, और उसके बाद जो हाउस है पूरी तरीके से एडजर्न जो है वो कर दिया गया। लेकिन ये एमसीडी के बाहर की तस्वीरें हैं, लेकिन इस बीच जरा हंगामे की वो तस्वीरें दिखा दें आपको। अंदर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बैलेट पेपर के जरिए मतदान हो रहा था, लेकिन किस तरीके की ये हंगामे की तस्वीरें, जरा नजर डालिए। पार्टी का हंगामा, ये शोर सुन सकते हैं आप, ये सिविक सेंटर दिल्ली की तस्वीरें हैं और आम आदमी पार्टी के सदस्य जो हैं हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं और पुलिस को पसीने छूट रहे हैं, किस तरह से समझाने की कोशिश जारी है, स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश। धक्का मुक्के की भी ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं हाय हाय के नारे लग रहे हैं। सुशांत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, जानकारी बताएं। देखिए आशुतोष, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल सदन के अंदर लगातार हंगामा जो है वो मचा हुआ है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच में नारेबाजी जो है वो जमकर की जा रही है। लेकिन अब कोशिश ये है कि इस पूरे हाउस को अभी एक घंटे के लिए स्थगित जो है वो किया गया है। एक घंटे बाद एक बार फिर से हाउस जो है वो एक बार फिर से शुरू होगा। उसके बाद पीठासीन अधिकारी जो है वो तमाम जो पार्षद हैं उनको शपथ दिलाएंगे, और उन शपथ के बाद ही अगर कहा जाए तो उसके बाद वोटिंग जो है वो मेयर चुनाव के लिए जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, और लगातार यहाँ पर आप देखेंगे कि सदन के अंदर यहाँ पर नारेबाजी जो है वो की जा रही है कि इस तरीके के माहौल जो है वो ना हो। और लगातार इसको लेकर के जो दोनों ही पार्टी हैं वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा जो है वो नज़र आ रही है। हालांकि इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस भी है, अगर आप देखेंगे पुलिस के आला अधिकारी भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि कभी भी हंगामा जो है वो मचता है, ऐसे में इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी यहाँ पर इस वक्त जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचे हैं, कार्यकर्ता जो है वो पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल सुशांत, यहाँ बड़ा सवाल इसलिए भी क्योंकि देखिए ये जनता के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो शर्मनाक है। पीठासीन अधिकारी के पास पहुंचकर किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है, हंगामा हो रहा है, ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं जिसको इन्होंने ऐसे बाहर सड़क पर जब आप विरोध करते हैं तो एक गरिमा सदन की होनी चाहिए, वो गरिमा यहां पर नजर नहीं आ रही। आप जरा देखिए किस तरीके से धक्का मुक्की हो रही है। पीठासीन अधिकारी जहां पर बैठे हैं वहां पर देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं, और शर्म की बात यह है कि जनता के प्रतिनिधि के तौर पर वहां पहुंचे हैं, लेकिन वहां वो कैसे किस तरीके की हरकत कर रहे हैं आशुतोष, ये बहुत शर्मनाक है। बिल्कुल, और ये हो रहा है सब कुछ मेयर और डिप्टी मेयर पर कब्जा करने के लिए कि कौन किसकी जीत होगी। लेकिन सुशांत लगातार जुड़े हुए हैं। जी सुशांत, जो भी आप देख पा रहे हैं और जो भी जानकारी मिल रही है दर्शकों को तुरंत आप साझा करें।
देखिए मैं आपको बता दूं आशुतोष और अर्पिता कि किस तरीके से जो मेयर का चुनाव होता है वो बहुत ही ज्यादा संजीदा होता है, और ऐसे में जो चुने हुए तमाम पार्षद आते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि किस तरीके से सही तरीके से वोट जो है वो कास्ट करें। लेकिन सदन के अंदर सदन की जो गरिमा है उसको पूरी तरीके से शर्मसार करती हुई तस्वीरें जो है वो नजर आ रही है। किस तरीके से जो तमाम चुने हुए पार्षद है वो पीठासीन अधिकारी के पास उनकी टेबल तक पहुंच गए, हंगामा जो है वो किया जा रहा है, नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है, और ये उन लोगों का हाल है जिनको जनता जो है वो चुनकर के भेजती है ताकि अपने नुमाइंदे जो है वो उनकी बात जो है वो सदन में रख सके। लेकिन जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर शर्मसार करती है एमसीडी के तमाम इस पूरे जो वोटिंग है जिस तरीके से मेयर के चुनाव हो रहे हैं उनको पूरी तरीके से शर्मसार करती है, दिल्ली की जनता को शर्मसार करती है कि इस तरीके से आज वोटिंग का पहला ये आपसे जानना चाह रहे हैं आम आदमी पार्टी का ये हंगामा है क्यों, क्या वहां क्रॉस वोटिंग हो रही थी, किस बात को लेकर यह हंगामा शुरू हो गया? देखिए अर्पिता मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो सदन के अंदर हंगामा जिस वजह से हुआ है उसमें दरअसल अभी वोटिंग जो है वो शुरू नहीं हुई है। अभी पीठासीन अधिकारी की तरफ से जो पीठासीन अधिकारी को नियुक्त जो है वो किया गया है, और उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके बाद चुनाव जो है वो वोटिंग जो है उसके बाद की प्रक्रिया, जब पहले तमाम जो पार्षद हैं उनका शपथ ग्रहण होगा 250 के आसपास ये तमाम पार्षद हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद जो है वोटिंग कास्ट होगी। लेकिन उससे पहले ही जो सदन का जो पीठासीन अधिकारी है उसके पास दोनों ही पार्टी के जो पार्षद है वो पहुंचे, उन्होंने हंगामा जो है वो शुरू किया, एक फाइल जो है वो लहराते हुए पार्षद जो है वो नजर आए, जिसके बाद ये हंगामा जो है वो तेजी से बढ़ता चला गया, दोनों की तरफ से हूटिंग जो है हुई है, नारेबाजी जो है वो हुई है। फिलहाल अब पुलिस जो है वो वहां पर पहुंची हुई है और लगातार कोशिश कर रही है कि सदन को एक बार फिर से सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल एक घंटे के लिए सदन को स्थगित जो है वो कर दिया गया। पहली बार सुशांत आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या सदन के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये हंगामे की तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाएं और सुनाएं, सुनिए। मनोनीत सदस्यों के शपथ को लेकर यह हंगामा हो रहा है, लेकिन पीठासीन अधिकारी के पास देख सकते हैं किस तरह से उनका घेराव कर लिया गया, उनको निकलने तक बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो अपने हाथों में उन्होंने कागज और फाइल्स रखे हैं उनको अपने पीएस को देना पड़ा किसी तरह से निकालने की कोशिश। लेकिन एमसीडी मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी का हंगामा, और पहली बार सदन के अंदर आम आदमी पार्टी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से ज्यादा है, और ये शक्ति प्रदर्शन जोर आजमाइश। सुशांत हमारे साथ मौजूद हैं। सुशांत, क्योंकि आप लगातार इन ऐसी खबरों को कवर करते रहे एमसीडी इलेक्शन फिर मेयर के चुनाव को, आपने देखी ऐसी तस्वीरें सदन के अंदर ऐसे भिड़ते प्रतिनिधियों को देखा है आपने? देखिए अर्पिता मैं आपको अपडेट दे दूँ, पुलिस की जो आला अधिकारी है वो अभी एमसीडी दफ्तर पहुंचे हैं, आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस मौके पर पहुंचे हैं कि ताकि अंदर जो हंगामा हो रहा है उसको पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो किया जाए, खुद दिल्ली पुलिस के तबके से यहाँ पर पहुंचे हैं। अक्सर ये तस्वीरें जो है वो एमसीडी चुनावों के अंदर जो है वो देखने को मिलती है, और इसी तरीके से जो तस्वीरें जब होती हैं तो कई बार हमने देखा है कि किस तरीके से तमाम जो है पार्षद है आपस में भिड़ जाते हैं, आपस में कुर्सियां जो है वो चलती हैं। लेकिन जिस तरीके का पहला दिन जब मेयर का चुनाव होना है, दोनों ही पार्टियों के संख्या बल को लेकर के जबरदस्त लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, और उस बीच में इस तरीके से हंगामा होना सीधे तौर पर ये साफ बयां करता है कि किस तरीके से पहला दिन सदन की कार्यवाही में लोगों का बीच में इस तरीके से हंगामा होना सवाल खड़े करता है कि जो चुने हुए पार्षद दिल्ली की जनता ने सदन के अंदर भेजे हैं अपनी आवाज रखने के लिए, वो किस तरीके से जनता की आवाज को जो है वो रख रहे हैं। हंगामा निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के सब कुछ हो रहा है सिर्फ कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, मेयर की कुर्सी के लिए, डिप्टी मेयर की कुर्सी के लिए और शपथ ग्रहण के लिए। लेकिन ये जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा है इस वक्त सुशांत, जरा दर्शकों को और तस्वीरें भी अगर आप दिखा सकें तो दर्शकों को तस्वीरें भी दिखाएं। ये मनोनीत सदस्य, ये जनता के प्रतिनिधि सदन के अंदर ये गरिमा को तार तार करते हुए आपस में गुत्थम गुत्थी करते हुए, ये क्या संदेश जा रहा है ऐसे भारत में?
हाँ देखिए आशुतोष, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सदन के अंदर से, किस तरीके से आपस में ही जो पार्षद है वो भिड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ खिलाफ नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं। दिल्ली के मेयर का चुनाव होना और मेयर के चुनाव में इस तरीके की तस्वीरें आना शर्मसार करता है दिल्ली को, दिल्ली की जनता को, कि जो जिन्होंने पार्षदों को चुन करके भेजा है अपनी आवाज़ को रखने के लिए, वो पार्षद किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा जो है वो कर रहे हैं। और ऐसे अगर ये पार्षद इस तरीके से हंगामा करेंगे तो कौन जनता की आवाज़ जो है वो रखेगा। अभी आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में कांग्रेस जो है वो पीछे है, कांग्रेस इस पूरे मामले के अंदर वॉकआउट जो है वो कर रही है एमसीडी चुनावों में वोटिंग को लेकर के। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं वॉकआउट को लेकर, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी निशाने पर ले रही है और ये कह रही है कि बीजेपी और कांग्रेस की ये मिलीभगत है।